बलघाटी के लोग यहां प्रस्तावित हवाई अड्डे के विरोध में अब सड़क पर उतर आए हैं। बलघाटी के सैकड़ों लोग मंडी जिला मुख्यालय पहुंचे और यहां सड़कों पर उतरकर हवाई अड्डे का विरोध जताया। उन्होंने सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी। यह सारा विरोध प्रदर्शन किसान संघर्ष समिति के बैनर तले हुआ, जिसमें बल के विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन भी शामिल हुए। विरोध करने आए लोगों का कहना है कि बल में जहां एयरपोर्ट प्रस्तावित है उसके कारण 9 गांव उजड़ जाएंगे और यहां की 3500 बीघा उपजाऊ भूमि उनकी भेंट चढ़ जाएगी। 2000 परिवारों की 10000 की आबादी एयरपोर्ट के कारण घर से बेघर हो जाएगी और इनका पुनर्स्थापन करना भी मुश्किल हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो 9 गांव प्रस्तावित हवाई अड्डे में जा रहे हैं, हम अपनी उपजाऊ भूमि प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए नहीं देना चाहते, हमें वहां से ना उजाड़ा जाए। ये जो प्रस्तावित हवाई अड्डा है इसको कहीं और दूसरी जगह जहां सरकारी भूमि हो या सरकार जहां उचित समझे वहां ले जाया जाए, हम किसानों को वहां से ना उजाड़ा जाए, हम सरकार से यही दरखास्त करते हैं। किसान सभा बल के अध्यक्ष प्रेमचंद सैनी ने कहा कि सरकार एयरपोर्ट को सरकारी भूमि पर किसी दूसरे स्थान पर बनाए ताकि बल में इतना अधिक विस्थापन ना हो सके। एक तो ये जो भूमि है बहुत उपजाऊ है और यहाँ पर जो बेरोजगार बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, तो वो उसी पर निर्भर है। टमाटर की यहाँ पर बहुत फसल होती है, मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। टमाटर बहुत ज्यादा उगाया जाता है, नकदी फसल जितनी भी है सबसे ज्यादा इस वार्ड में होती है, कमसा में होती है, और ये 9 गांव है यहाँ पर यही फसलें उगाई जाती है। तो मेरा सरकार से ये दरख्वास्त रहेगी कि इस ये जो आपने हवाई अड्डे की योजना यहाँ पर तैयार कर रखी है, मैं चाहती हूँ एक तो इस हवाई अड्डे को कहीं दूसरी जगह जहाँ पर सरकारी लैंड हो वहाँ पर विस्थापित कर दिया जाए। सके नगर परिषद नैरचौ की वार्ड पार्षद सुमन चौधरी ने कहा कि जहां एयरपोर्ट प्रस्तावित है वो बलघाटी की उपजाऊ भूमि है, यहां के किसान नकदी फसलों पर आश्रित है और इसी से उनका रोजगार चलता है। ऐसे में अगर जमीन एयरपोर्ट की जद में आती है तो फिर हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये जो दलित आबादी इस इलाके में 75-80% है, ओबीसी की आबादी 15% से ज्यादा है और 2 गांव में जो माइनॉरिटी की मुस्लिम आबादी है वो बाहुल्य आबादी है, वो सारी की सारी अगर उजड़ जाती है तो कहां जाएगी। तो इसलिए ये इनको बताने के लिए आए कि अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो किसान बड़े से बड़ा आंदोलन करने को तैयार होगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इन सरकारों की होगी। वहीं किसान सभा के उपाध्यक्ष पारसराम ने कहा कि जहां पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वहां पर 80% आबादी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी से संबंधित है। ऐसे में इन परिवारों को अपना पुनर्वास संभव नहीं होगा। इन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर एयरपोर्ट का स्थान नहीं बदला गया तो फिर भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से अपना ज्ञापन भी भेजा। बता दें कि यह सीएम जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है और सीएम मंडी जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई अड्डा बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। लेकिन अब जिस तरह से लोग विरोध पर उतर आए हैं उससे लगता है कि सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में अड़ंगा अड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी।